दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजटेक। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ओप्पो A7 मोबाइल में ऑटो पावर ऑफ हो जा रहा है। दोस्तों, फ़ोन चलते चलते ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है, या फिर जब भी उसमें कुछ एक्टिविटी करते हैं, मतलब कुछ गाना प्ले करते या फिर किसी से बात करते हैं, तो फ़ोन ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वो कौन सा पार्ट से वो जो चेंज करना होगा, पूरा मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, आ गया हूँ वीडियो पे, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरीके का जो इशू होता है ना, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है फ़ोन यूज़ करने में, ये किसी भी जगह से प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर से भी इशू हो सकता है, बैटरी से भी इशू हो सकता है, या फिर पावर बटन शॉर्ट रहने से भी हो सकता है, अगर मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है, वॉल्यूम बटन शॉर्ट रहने से भी हो सकता है। तो इसका जो प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं एकदम सिंपल सा आइडेंटिफाई किया है जिसका प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से आ रहा है। ये डिवाइस को खोलने में दोस्तों एक ध्यान रखिएगा, ये तो पहले तो आपका जो सिम ट्रे है वो आपको निकाल लेना होगा, और यहाँ पर इसका जो फिंगरप्रिंट है वो अटैच रहता है, तो इसलिए कवर जब आप खोलिएगा तो थोड़ा धीरे से इसको खोलिएगा, नहीं तो इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो कट जाएगा। सिंपल अब यहाँ पर ओपनर यूज़ कर सकते हैं, या फिर नाखून से भी यहाँ पर थोड़ा सा गैप कर लीजिएगा और फिर इस तरीके से इसको आप खोल सकते हैं। दोस्तों, ये ओप्पो A7 मोबाइल है, तो यहाँ पर दोस्तों बैक कवर थोड़ा धीरे से खोलिएगा क्योंकि यहाँ पर फिंगरप्रिंट का कनेक्टर होता है, पहले ये स्क्रू आपको निकालना होगा। इसके बाद ये कवर को हटाना पड़ेगा, इस स्क्रू का जो कवर है ये कवर को आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट कनेक्टर मिल जाएगा, इसको खोल देना है। उसके बाद ये बैक कवर जब आसानी से निकल जाएगा, अब यहाँ पर सिर्फ आपको स्क्रू निकालना है। उससे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ दोस्तों ऑन करके। देखिए, ये ओप्पो का लोगो आ रहा है और फिर ये ऑफ हो जा रहा है। देखिए, इस तरीके का ओप्पो का लोगो आ रहा है और ये ऑफ हो जा रहा है। अगर मैं चार्ज में लगा के इसको ऑन करता हूँ तो ये सिंपली ऑन हो जाता है, अगर मैं इसको चार्जर में लगा के अगर इसको ऑन करूँ तो ये ऑन होगा और फिर ये नॉर्मली काम करता रहेगा, जब मैं चार्जर खोल दूंगा ये फिर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके का जो इशू होता है दोस्तों, ये मैक्सिमम आपको पता ही होगा, ये इशू मैक्सिमम बैटरी से हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका फ़ोन में ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है प्रॉब्लम, तो वो किसी भी जगह से हो सकता है, सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, या फिर मदरबोर्ड का प्रॉब्लम हुआ तो भी हो सकता है, जैसे मैं बताया वॉल्यूम बटन शॉर्ट होने से, पावर बटन शॉर्ट होने से भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो फिर थोड़ा आइडेंटिफाई करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर चार्जर कनेक्ट करने के बाद अगर आपका डिवाइस एकदम ठीक ठाक चल रहा है तो इसका मतलब 90% पकड़ लीजिए दोस्तों बैटरी का इशू हो सकता है। तो इसमें मैं बैटरी चेंज करके आपको दिखाऊंगा इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। ये जो प्रॉब्लम आया था दोस्तों कस्टमर लेके, ये प्रॉब्लम देखकर मैं एकदम फास्ट चांस में एकदम श्योर हो गया था ये बैटरी का इशू है, क्योंकि जब भी चार्जर कनेक्ट करता हूँ ये ठीक ठाक चलता है, चार्जर निकल देने के बाद ये ऑफ हो जाता है। देखिए दोस्तों, अभी मैं इसमें चार्जर कनेक्ट करके इसको ऑन करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैंने इसको ऑन किया है, ये ऑन हुआ है, अब मैं इसमें अगर चार्जर कनेक्ट कर दूंगा तो ये ऑफ नहीं होगा, ये चलेगा। तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, अगर मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ तो ये फ़ोन चलता है, ये फ़ोन ऑफ नहीं होगा, जब मैं चार्जर से इसको निकाल दूंगा कुछ भी एक्टिविटी करूंगा ये ऑफ हो जाएगा।
देखिए दोस्तों ये अभी ठीक ठाक, तो अभी जो इसका बैटरी है वो चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं एकदम श्योर हूँ इस तरीके। अगर इस मॉडल का आपको पूरा डिसअसेंबली वीडियो देखना है दोस्तों, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा इसका, इस मॉडल का ओप्पो S70 का पूरा डिसअसेंबली वीडियो, कैसे मदरबोर्ड खोलना होगा, कैसे सब बोर्ड जो है वो खोलना होगा, आप मेरे चैनल पे आइए वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारा मॉडल का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों बैटरी चेंज करने के बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों पहले जैसे ही ऑन नहीं हो रहा था, अभी बैटरी चेंज करने के बाद ये ऑन हो गया है और ये चलेगा भी ठीक सही से। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प हुआ होगा दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।